हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी आरोग्य। कैसे हो सभी लोग? तो बहुत दिनों बाद मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ एक धमाकेदार सा वीडियो, जिसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रख सके और COVID-19 से बच सके। तो जैसे कि सभी लोग जानते हो कि वर्ल्ड वाइड अभी COVID-19 फिर से और ज़्यादा डेंजरस हो रहा है। स्पेशली इंडिया की बात करें तो यहाँ पे सेकेंड वेव आ चुकी है, और अगर अभी के स्टैट्स के अकॉर्डिंग देखें तो पर डे आप लोग के 3 लाख न्यू एक्टिव पेशेंट्स मिल रहे हैं। तो इस टाइम पे हमको हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना ज़रूरी है, जिससे कि हम लोग COVID-19 से बच सके। तो आज पूरा का पूरा वीडियो इसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, और मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रांग रख सको, साथ में अपनी स्टडी को भी अच्छे से कर सको, क्योंकि यार कोविड की वजह से आप लोग के एग्जाम की डेट भी आगे बढ़ गई। काफ़ी सारे लोगों को कोविड से डर भी लग रहा है, और साथ में काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घर पर COVID-19 हो भी चुका है, तो ये उन सभी लोगों के लिए इफेक्टिव रहने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके से मजेदार कॉन्टेंट हम आप लोग के लिए लाते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रख सको और COVID-19 से आप लोग अपने आप को बचा सको। तो कुछ ऐसी ही मजेदार से टिप्स आप लोग को देने वाला हूँ, जिसको आप लोग अपनी डेली लाइफ में अगर आप लोग उसको रूटीन पे ला लोगे तो जिससे आप लोग COVID-19 से बच भी सकते हो और अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग रख सकते हो। सो टिप नंबर 1 है आप लोग के लिए, इम्प्रूव योर डाइट। तो डाइट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बीमारी से बचाने के लिए। आप लोग को एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त पे। बैलेंस डाइट क्या होती है? तो बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट जिसमें कि सभी के सभी फूड एलिमेंट्स करेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर आप लोग को उसको कंज्यूम करना है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिंस, मिनरल और वाटर को सही करेक्ट प्रोपोर्शन में अगर आप लोग कंज्यूम करोगे तो वो एक बैलेंस डाइट कहलाती है। इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम लोग को किस तरीके से डाइट लेनी है? तो आप लोग हो सके तो थोड़ी सी लो कार्ब्स वाली और हाई रिच प्रोटीन डाइट आप लोग कंज्यूम करें, जिससे कि आप लोग का जो इम्यून सिस्टम है और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और साथ में आप लोग को जितने भी डेंजरस डिसीजेज है उससे बचा सकता है, स्पेशली COVID-19 से। तो अगर आप लोग को अपने आप को अच्छा रखना है तो आप लोग एक अच्छी डाइट ज़रूर लें। साथ में हो सके तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स को और ऐड कर दीजिए, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि कौन कौन से फूड एलिमेंट्स आप लोग को ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। इसको अगर आप लोग डेली डोज आप लोग इसका लेना चालू कर दोगे तो ये भी आप लोग को और ज़्यादा स्ट्रांग रखेगा, आपके ब्रेन्स को भी, स्किन को भी, और डिफरेंट आप लोग को बेनिफिट्स ये प्रोवाइड करने वाला है। साथ में आप लोग अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स को भी ज़रूर ऐड करें, और साथ में हो सके तो आप लोग जितने भी हमारे नेचुरल सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे जिंजर होता है, आंवला हो गया, टर्मरिक हो गया, इनको भी आप अपनी डेली डाइट में कंज्यूम करें, जिससे आप लोग अपने बॉडी को और ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं, और जितने भी बैड एलिमेंट्स आपकी बॉडी में आ चुके हैं उन सबको ये प्योरीफाई कर देंगे। सो नेक्स्ट स्टेप है आप लोग के लिए, डोंट कॉम्प्रोमाइज विद योर स्लीप। हो सके तो रेगुलर आप लोग 7-8 आवर्स की स्लीप जरूर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल होती है आपकी बॉडी को सही तरीके से फंक्शनिंग में लाने के लिए। आप लोग अगर 7-8 आवर्स की स्लीप लेते हो तो होता क्या है, इससे आप लोग की पूरी की पूरी बॉडी रिफ्रेश रहती है, साथ में आप लोग पूरी की पूरी बॉडी को स्ट्रांग भी रख सकते हो, क्योंकि इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं आप लोग के स्लीप से भी रिलेट करता है, क्योंकि आपकी बॉडी को रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। जैसे मैंने पहले टिप में बताया कि डाइट लेना है, लेकिन उस डाइट को अगर आपको पूरी तरीके से अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कराना है तो एक प्रॉपर स्लीप लेना जरूरी है। सो नेक्स्ट स्टेप है आप लोग के लिए, स्टे हाइड्रेटेड। हो सके तो आप लोग डेली 5-6 लीटर आप लोग को वाटर को ड्रिंक करना ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि यार वाटर बहुत ज़्यादा इसेंशियल एलिमेंट है आपकी बॉडी के लिए। जितने भी टॉक्सिक होंगे अगर आपकी बॉडी में, तो उसको फ्लश आउट करने में वाटर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में अगर देखें तो और भी डिफरेंट वर्क्स होते हैं, क्योंकि एक अच्छी डाइट को डाइजेस्ट कराने में वाटर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप लोग एक अच्छी डाइट ले रहे हो तो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट एलिमेंट है उसको अगर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करना है तो उसमें भी वाटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वाटर को आप लोग अच्छे से कंज्यूम करें। जैसे ही मैंने आप लोग को बताया कि जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट रहते हैं उनको बाहर निकालता है, इसी तरीके से अगर कोई भी फ्लू का एलिमेंट आपकी बॉडी में होगा तो उसको भी ये फ्लश आउट करने में हेल्पफुल होगा। हो सके तो आप लोग कोकोनट वाटर को भी डेली कंज्यूम कर सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले करता है आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए, आपकी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए, और आपको वेरियस डिफरेंट डिसीजेस से बचाने के लिए। सो नेक्स्ट टिप है आप लोग के लिए, डोंट स्किप योर एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज रेगुलर करना आज के वक्त COVID-19 के इस पेंडेमिक सिचुएशन के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम तो बॉडी को अंदर से ठीक कर रहे हैं, साथ में फिजिकली भी स्ट्रांग कर रहे हैं। एक्सरसाइज आप लोग को काफी सारे डिफरेंट बेनिफिट्स देती है, इसके बारे में मैंने पहले से भी वीडियोस में बता चुका हूं। तो आप लोग को एटलीस्ट 30-45 मिनट तो डेली करना ही है एक्सरसाइज। अब काफी सारे लोग बोलेंगे, सर
अभी तो हमारे एरिया में लॉकडाउन लगा हुआ है या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस आ चुकी है कि हम लोग जिम नहीं जा सकते। जिम जाना ही जरूरी नहीं है, आप लोग हो सके तो अपने घर पे ही पुशअप, पुलअप्स और डिफरेंट डिफरेंट वेरियस एक्सरसाइज कर सकते हो, जिससे आप लोग फिजिकली फिट रह सकते हो। अब काफी सारे लोग बोलेंगे सर हमको ये सब में मजा नहीं आता है, तो हो सके तो आप लोग मेडिटेशन जरूर करें या फिर हो सके तो योगा आप लोग कर सकते हो, जिससे कि आप लोग की फिजिकल एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। अब काफी लोग बोलेंगे कि एक्सरसाइज से क्या रिलेशन है, तो देखो यार अच्छी डाइट ले रहे हो उसको कंज्यूम करने के लिए एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ में एक्सरसाइज आप लोग का मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज करती है और मेटाबॉलिज्म जो है वो कोरिलेट करता है डायरेक्टली इम्यून सिस्टम को, तो आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना अभी के टाइम पे तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सीधी सी बात है, जो भी फिजिकली फिट रहेगा ये गारंटी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ऐसे लोग होंगे उनको COVID-19 बहुत ही कम हो रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप है आप लोग के लिए डी-स्ट्रेस योरसेल्फ। हो सके तो इस टाइम पे स्ट्रेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चाहे वो एग्जाम का स्ट्रेस हो या किसी और चीज का स्ट्रेस हो। सीधी सी बात है स्ट्रेस जो है आप लोग के डायरेक्टली इम्यून सिस्टम पे इम्पैक्ट डालता है, वो आपके इम्यून सिस्टम को और ज्यादा वीक कर देगा, आप खुद से ही फील करने लग जाओगे कि मैं बीमार हूं, और आप लोग को इस वक्त पे तो बीमार टाइप फील करना ही नहीं है। तो अगर आप लोग को स्ट्रेस से बचना है तो हो सके तो आप लोग डेली मेडिटेशन कर सकते हो या फिर कोई भी लाफ्टर चैनल देख सकते हो यार, जिससे आप लोग थोड़ा एंटरटेन रहो और जितना भी स्ट्रेस है उससे दूर रह सकते हो। हो सके तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बातचीत करो, उनके साथ बैठो उठो, जिससे क्या होगा कि जो भी स्ट्रेस है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से लास्ट टिप आप लोग के लिए है कि ट्रैवलिंग अभी के टाइम पे बिल्कुल भी मत करो, ज्यादा बेटर है। अगर आप लोग एक फिजिकली फिट हो, सब कुछ बढ़िया कर रहे हो, उसके बावजूद आप लोगों ने ट्रैवलिंग कर लिए और गलती से आप लोग किसी ऐसे इंसान से कॉन्टेक्ट में आ गए जो कि खुद कोविड पॉजिटिव था, इसके वजह से आप लोग को भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो ट्रैवलिंग आज के टाइम पे हो सके तो बहुत कम करने की कोशिश करो। घर से भी उतना ही हो सके बाहर निकलने की कोशिश करें जितनी आपको उसकी जरूरत है, और बाहर निकल भी रहे हो तो प्रिकॉशन जरूर लीजिए, मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए, साथ में आप लोग सैनिटाइजर जरूर यूज करें। तो यार कोविड से अगर बचना है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना है, ये सभी चीजें आप लोग के हाथ पे है, तो आप लोग अगर अपने आप पे वर्क करोगे तो आप लोग को अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे, और ये मेरी दुआएं हैं कि किसी को COVID-19 ना हो। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। मैं जानता हूं कि आज के टाइम पे काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, कईयों के एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं और अभी भी वेट कर रहे हैं कि यार हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर करें, काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो चुके हैं। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी अभी तक की प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो उनको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप लोग चाहते हो आज से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना या नए बैच या नए क्लासेस को ज्वाइन करना, तो आप लोग अनअकैडमी के साथ ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे अनअकैडमी आप लोग को प्रोवाइड करता है फ्री स्पेशल क्लासेस, साथ में एक स्ट्रक्चरल कोर्स के वे में आप लोग को प्लस क्लासेस अवेलेबल है, जहां पे आप लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है ऑन टाइम पे, और भी आप लोग को डिफरेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आप लोग को रेगुलर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होते रहती है, मॉक टेस्ट होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस आप लोग को यहाँ पे मिलते हैं, साथ में अगर आप लोग को कोई भी डाउट कभी भी आता है तो उसको आप लोग आस्क डाउट फीचर के थ्रू कभी भी पूछ सकते हो, जो कि काफी ज्यादा बेनिफिशियल आप लोग के लिए है। तो अगर आप लोग चाहते हो अनअकैडमी के साथ ज्वाइन होना और अपने घर बैठे प्रिपरेशन करना इस पेंडेमिक की सिचुएशन में, तो बिल्कुल आप लोग ज्वाइन हो सकते हो प्लस एज वेल एज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू। तो इन दोनों सब्सक्रिप्शन पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपने प्लान्स को परचेज करके अपनी प्रिपरेशन को घर बैठे स्टार्ट कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आप लोग इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए हो तो आप लोग सिंपली ये कोड को यूज करें, जिससे आप लोग को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और आप लोग की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग हो सके तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मैं क्या वीडियो आप लोग के लिए बनाऊं। तो जब तक के लिए गुड बाय, पढ़ाई करते रहो। सो बाय बाय।